मैजिकल बुटॉक्स मास्क। अगर आप इस मास्क को ओनली एक बार यूज करोगे तो पार्लर में होने वाले सभी तरह के मास्क को भूल जाओगे। इवन आज तक आपने जितने भी DIY के मास्क यूज किए हैं आप उनको भी भूल जाओगे। ओनली इस मास्क का एक ही बार यूज करने से आप नोटिस करोगे आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट बना देगा। ओनली एक ही बार इस मास्क का यूज करने से आप नोटिस करोगे आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग बना देगा। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है झेरी पटेल, मैं हूँ थेरेपिस्ट। मेरा मिशन है आप सभी लोगों को सही नॉलेज देना जिसकी वजह से आप हेल्दी एंड रोग फ्री लाइफ को जी सके, वो भी नेचर के साथ रह के और नेचुरल चीजों का यूज करके। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे फेस के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। उम्र के साथ साथ हमारे स्किन के ऊपर जो ग्लो था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और ये नेचुरल प्रोसेस को आप स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रोसेस को आप स्लो जरूर कर सकते हैं अगर आप सही स्किन केयर का यूज करें। आज हम बात करने वाले एक ऐसे फेस पैक के बारे में जो आपकी एजिंग की प्रोसेस है उसको स्लो कर देगा। अगर आप इस फेस पैक को रेगुलर यूज करना स्टार्ट करते हो तब 50 की उम्र में भी 30 साल के दिखोगे। ज्यादा लेट ना करते हुए हम चलते अपनी रेसिपी की तरफ। मैजिकल बुटॉक्स मास्क बनाने के लिए आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ड्रैगन फ्रूट की। अगर पॉसिबल हो तो रेड कलर के ड्रैगन फ्रूट का यूज करें। हमें यहाँ पे लेना है ड्रैगन फ्रूट के पल्प की। तो हम पल्प को निकाल कर उसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। शायद आपको मैश करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन इसको अच्छी तरह से मैश कर लें और आपको इस ड्रैगन फ्रूट को विदाउट पानी ऐड के उसको अच्छी तरह से मैश करके उसकी चटनी बना लेनी है। जब हमारा ड्रैगन फ्रूट का पल्प पूरी तरह से चट्टी के फॉर्म में आ जाए तो हम उसको साइड में रख देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी फ्रेश एलोवेरा जेल की। तो हम फ्रेश एलोवेरा को तोड़ लेंगे और उसके अंदर जो येलो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एलोवा, उसको हम अलग कर लेंगे। आधे घंटे के बाद हम पत्ती को अच्छी तरह से वॉश करके उसका यूज करेंगे। जो भी एलोवेरा का ग्रीन कलर का पार्ट है और जो कांटे वाला पार्ट है उसको हम अलग करके उसका पल्प अलग निकाल देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ड्रैगन फ्रूट का पल्प। दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहां पे भी आपको मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन इन दोनों चीजों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारा फाइनली बुटॉक्स मास्क तैयार है। अब बात करते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। अब जिस तरह से नॉर्मल फेस पैक को लगाते हो उसी तरह से सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लें। पानी से वॉश करने के बाद उसको सुखा लें। फेस को सुखाने के बाद आप ब्रश की सहायता से या फिर हाथ की सहायता से इस मास्क को पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करें। आपको इस मास्क को लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इस ज्यादा स्टिकी होने की वजह से आपके फेस के ऊपर इजीली नहीं चिपकेगा, लेकिन इस मास्क को आपको पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हल्के हाथों से मसाज करें और एटलीस्ट आधे घंटे के लिए छोड़ दें जिसे जब तक ड्राई नहीं हो जाता। जब बुटॉक्स मास्क पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो उसको गुनगुने पानी से वॉश आउट कर दें। और अगर आप इसको वॉश आउट करना नहीं चाहते तो टिश्यू या फिर गीले कपड़े की सहायता से भी इसको पोंछ सकते हो। आप देख सकते हो कि इसका एक ही बार यूज करने से मेरे फेस के ऊपर कितना ग्लो आया है। इस मास्क का ओनली एक ही बार यूज करने से आप नोटिस करोगे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा स्मूथ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि मास्क किस तरह से काम करता है। हमने इस मास्क के अंदर ऐड किया ड्रैगन फ्रूट का पल्प। ड्रैगन फ्रूट के अंदर विटामिन सी, विटामिन B3, बीटा कैरोटीन एंड लाइकोपिन पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अंदर जो विटामिन सी जो हमारे स्किन के ऊपर मेलानिन का प्रोडक्शन बनता है उस प्रोडक्शन को कम करता है जिसकी वजह से आपकी स्किन को नेचुरली ब्राइट बनाने का काम करता है। इसके अंदर जो विटामिन सी है वो आपके स्किन के ऊपर दाग धब्बों को साफ करने का काम करता है। इसके अलावा जो इसके अंदर पाया जाता है विटामिन B3 जो आपकी स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाने का काम करता है। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, एक्ने के मार्क है, तो उस कंडीशन में भी ये मास्क आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि विटामिन B3 का काम होता है कि आपके फेस के ऊपर जो एक्ने है पिंपल्स उसको कम करना। तो पिंपल से परेशान हो तो उस कंडीशन के अंदर भी आप इस मास्क को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट के अंदर पाया जाता है बीटा कैरोटीन जो आपकी स्किन के ट्रेस लेवल को कम करता है। जो सन की यूवी रेज होती है उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इवन ड्रैगन फ्रूट को डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई करने की वजह से आपके स्किन के ऊपर कोलेजन को प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है जिसकी वजह से ये एंटी एजिंग का काम करता है जो आपकी एजिंग की प्रोसेस थी उसको स्लो करने का काम करता है। एंड इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी एजिंग की प्रोसेस स्लो हो जाए तो इस मास्क को
21 वीक में एक से दो बार जरूर अप्लाई करें। इस मास्क के अंदर हमने ऐड किया था फ्रेश एलोवेरा जेल, जिसका काम होता है आपकी स्किन को टाइट बनाना, आपकी स्किन को स्मूथ बनाना और आपके फेस के ऊपर, आपके स्किन के ऊपर अगर कोई भी तरह के दाग धब्बे हैं तो उसको साफ करना। एलोवेरा ओनली एक ऐसी औषधि है जो आपके स्किन की सातों लेयर होती है, वो सातों लेयर के अंदर तक जाने का काम करती है। तो जब भी आप एलोवेरा के साथ कोई भी चीज को मिक्स करके अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन की सातों लेयर के अंदर तक जाके आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करती है। अगर आप कम खर्च के अंदर बोटॉक्स करवाना चाहते हो तो इस मास्क को एटलीस्ट एक बार जरूर ट्राई करें। ओनली एक ही बार इस मास्क को ट्राई करने के बाद आपने अभी तक के जितने भी मास्क अप्लाई किए हैं उन सभी मास्क को आप भूल जाओगे। ऐसी नई नई रेसिपी को जानने के लिए आप मेरे चैनल से बने रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।